getting the rom-com feel from what we're hearing about Titch Button. वो feel तो वही है, light-hearted, playful, romantic comedy. चार उसमें main cast जो है, there's you and then there's Feroz Khan, then there's Sonia Hussain and there's Iman Ali of इमान अली. course. चार बहुत powerful शख्सियतें अपने अपने उसमें. How difficult was it working together? Well, it was आमना, to be honest. When you see, as you said, हर हर बंदा, और अभी तो ये सिर्फ ये चार है हमारी, एक उसके ऊपर एक और तह थी जो उससे भी बड़ी, एक कोई पूरी फैमिली है. हर बंदा अपनी अपनी जगह, दे आर सुपर स्टार्स. फिल्म इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. इट्स लाइक अ वॉर, जंग है वो, जो आपने हर रोज लड़नी है लगातार 60-70 दिन के लिए. एज अ प्रोड्यूसर आई एम सेइंग, एक्टर तो आप जाते हो परफॉर्म करते हो, बट हमने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में शूट किया है. डिफिकल्ट सिनेरियो था हमारा. हम पहली मूवी थी, हम बस कूद गए कि करेंगे. तो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक एवरीबडी, फिरोज, ईमान, सोनिया, ऑल द सीनियर एक्टर्स. उन्होंने हमारे साथ बहुत बर्दाश्त किया है. हम तो चलो मूवी बना रहे थे, एज एन एक्टर्स हम बहुत मुश्किल कंडीशंस में रहे हैं. वी वेंट टू पंजाब के एक इलाके में, और हम जनवरी में वहाँ शूट कर रहे थे, और हमारी उंगलियाँ ठंड. रात को 2 बजे जम जाती थी. लाइक लिटरली माइंड फ्रीज हो जाता था. तो चले, हम तो प्रोड्यूसर्स थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ये करने की इतनी मुश्किल, बट दे ऑल डिड एंड दे ऑल वर वेरी कोऑपरेटिव. हल्के फुल्के मसले हर जगह पे होते हैं. फिल्म बन रही है, 2 दिन का काम नहीं है, 70 दिन का काम होता है, बट ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड एंड आई थिंक एवरीबडी हैज़ परफॉर्म्ड सो वेल. मतलब मुझे वो मूवी देख के, फ्रॉम द पेपर टू टिल इट्स डन, आई हैव सीन एवरीथिंग, बट आई डोंट फील लाइक इट्स फिरोज, आई डोंट फील लाइक इट्स इमान, आई डोंट फील लाइक इट्स सोनिया. इट एवरीबडी इज सो मच इन द कैरेक्टर्स. सो आई रियली होप आपना के लोगों को पसंद आए. इंशाल्लाह. व्हेन इंशाल्लाह. व्हेन डू यू थिंक दैट इट विल हिट द सिनेमास? क्या सीन क्या है अब? वी आर एज क्लूलेस एज एवरीबडी राइट नाउ, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज सिनेमा इज समथिंग के यू कैन टेक चांस विद योर मूवी. यू नो मूवी तैयार है, मूवी तैयार है, गाने वगैरह, साउंड ट्रैक, एवरीथिंग इज रेडी, एब्सोल्यूटली. मतलब आप ये कह लें कि 19 हो गई है, 20 करनी एंड है. वी होप टू हियर यू ऑन द साउंड ट्रैक एज वेल. You've done it, right? It's your soundtrack. Well, let's see. I'm not sure about that, Okay. but कुछ तो सीख रखनी है चीजें. मैं आपको बताऊं, अगर हम सिनेमा की डेट अनाउंस कर दें तो हमें उसका प्रमोशनल मटेरियल निकालना पड़ेगा, खुदा ना खास्ता उसके बीच में, जैसे हमारे साथ हुआ पहले. हमने टीजर आउट किया, बिल्कुल. उसके 1 हफ्ते बाद गाना आना था, फर्स्ट सॉन्ग वाज टू बी रिलीज्ड, उसके बीच में कोविड आ गया. अब वो गाना आ जाता तो वो गाना हमारा जाया हो जाता. यू नो दिस इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यू टेक विद द फिल्म एंड यू मेक द मोमेंटम एंड यू ऑफ नो. कोर्स तो अब जब तक पूरी तरह नहीं खुलेगा ना, एंड वी आर श्योर अबाउट दैट, हाउ आर पीपल एक्चुअली, आर दे रेडी टू कम टू द सिनेमास, बट वी आर गोइंग देयर एंड वी आर गोना रन द कैंपेन. आई थिंक ऑल द फिल्म मेकर्स, ऑल द प्रोड्यूसर्स, ऑल द चैनल्स, दे शुड रन द कैंपेन. वी शुड गो टू द सिनेमा एंड वी शुड टेल पीपल इट्स सेफ, बट वी शुड बी फर्स्ट श्योर दैट इट्स सेफ, दैट्स सेफ. या एंड इफ इट इज देन वी आर रेडी टू कम. आई मीन हम कोई 1 महीने के नोटिस पे आ जाएंगे. Zabardast, zabardast. I'm looking at 2021 for all these releases. Hopefully, we'll have one release in December agar sab kuch theek rehta hai. Inshallah. Inshallah. अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो 2021 would be the best year for the Pakistani cinema, cinema as far as I know. Inshallah. But I have seen behind the scenes, all the movies I've been discussing with their respective makers. I think we have the best year in our hands. I hope so. I hope so. And then coming back to you and Urva. I mean, okay, so although you guys don't project yourselves as a power couple, you are between the family, in fact. You, Urva, Mavra, I mean, bahut strength hai. When do we see you guys together on screen? You said hopefully soon, but how and when? Thodi Well, thodi roshni dale. अब देखें, डिपेंड करता है कि हाउ डू यू वांट टू सी अस टुगेदर. प्रोबब्ली वेरी सून. No, वैसे तो वी कैन सी यू टुगेदर लाइक इन पिक्चर्स ऑल द टाइम, बट ऑन स्क्रीन, ऑन टेलीविजन या इन अ फिल्म, क्या कुछ है पाइपलाइन में ऐसा? मुझे और उर्वा को आप ऑन स्क्रीन बहुत जल्दी देख तो लेंगे, बट अच्छा. प्रोजेक्ट टुगेदर वुड बी
इफ वी गेट समथिंग रियली गुड वील डू इट आमना. व्हेन यू आर जब लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो आपको प्रेशर भी हो जाता है एक, कि अब हमें नहीं पता था. आप देखें ना कि मुझे और उर्वा का मंडे को 8 बजे इकट्ठे लग गया ड्रामा, एग्जैक्टली तो वो उसका इतना मजाक हम आपस में कर रहे थे कि ये क्या. मैं नीचे गया, अम्मी मुश्क देख रही थी, मैंने कहा मुश्क देख हाँ, रही ऊपर उर्वा प्रेम कली देख और ये रही. बड़ा क्यूट है, आप एक घर में थे जो पहली एपिसोड आई, क्या हुआ? मैं और उर्वा ऊपर थे, दिस इज लाहौर। दिस इज लाहौर, मैं और उर्वा हाँ ऊपर हमारे कमरे में थे. उर्वा कह रही प्रेम गली लगाओ, हाँ मैं नीचे गया हूँ तो अम्मी मुश्क देख रही हैं. हाँ तो वो कहती है मैं अभी आईपैड पे वो देखूंगी. तो मैंने कही हमारी फैमिली में डीप प्रॉब्लम नहीं है, बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया ऊपर नीचे. हाँ, तो तो अम्मी को अच्छा कौन सा लगा ज्यादा? अम्मी को दोनों ही अच्छे लगे. दोनों हाँ अच्छे लगे, दोनों हैं बहुत अच्छे। हाँ आई लव मुश्क टू. इट्स या वेरी वेल एब्सोल्युटली। डायरेक्टेड, इट्स वेरी वेल रिटन, हाँ एंड आई लव उर्वा एक्टिंग इन मुश्क. टू बी ऑनेस्ट, टोटली। मैं बट नॉट दैट शी इज माई वाइफ, मैं उर्वा को पहले भी कहता था. आई थिंक मुझे 3-4 एक्ट्रेसेस पाकिस्तान में बहुत पसंद है. उर्वा इज अप देयर, शी इज सच ए ग्रेट एक्ट्रेस. नाम मालूम अफराद में उसका मैंने पहला सीन देखा था, वो चटखारेदार और कुछ ऐसे करती है. वी वर डेटिंग एट दैट टाइम एंड आई वाज सिटिंग विद हर एंड आई टोल्ड हर, मैंने कहा यू सच नेचुरल, यू सच अ ग्रेट एक्ट्रेस. हाँ, और मैं आपको बताऊं, मुझे उर्वा ने बैठ बिठा बिठा के ड्रामास दिखाए हैं, मुझे उर्वा ने दास्तान दिखाया. मैंने फवाद को, मैं कब से जानता हूँ, मैं फवाद को मिला एक दिन जेपीएनए के कोई प्रीमियर पे, और मैं हाँ, उठ के खास गया, मैंने कहा फवाद यार यू सच अ ग्रेट एक्टर. तो उसको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, बिकॉज आई आउट ऑफ द नेवर, ब्लू। उसने आउट ऑफ द ब्लू, उसकी उस हाँ खूबसूरत भी आ गई हुई है, सब आ गई हुई है. हाँ तो मैंने कहा यू सच अ ग्रेट एक्टर. तो वो वहां से भी साथ बैठे हुए थे, दे थॉट दैट आई एम जोकिंग, बट आई सॉ दास्तान. उर्वा मेड मी वॉच इट. फिर मैंने ये ड्रामास देखे तो मुझे यू नो आई गॉट द फील ऑफ इट, कि वॉट इज ड्रामा, हाउ रियल आर द इमोशंस, वॉट एन ऑडियंस. मेरी तरह का बंदा अगर फील कर रहा है, जो कहते हैं ना फील्स, फील्स तो अगर आते फील्स आती हैं मुझे, हैं। मेरे जैसे बंदे को, हाँ तो फिर ऑडियंस को तो पता नहीं क्या क्या फील्स आती होंगी. तो फिर देन आई रियलाइज के यार ओके दिस इज गुड, एंड लकीली आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. आई रियली एंजॉय, आई इट्स रियली एविडेंटली, या इट्स वेरी ऑब्वियस दैट यू आर एंजॉयिंग। या आई एम एब्सोल्यूटली एंजॉयिंग इट, एंड आई एम सो एंजॉयिंग सो मच दैट आई एम इग्नोरिंग माई म्यूजिक, बट आई एम गोइंग बैक टू माई म्यूजिक टू. मगर म्यूजिक आपने मेंटेन की है ओवर द इयर्स, इट्स नॉट लाइक देयर इज नेवर बीन अ सॉन्ग, देयर इज ऑलवेज, इफ या नॉट अ सिंगल देन अ साउंड ट्रैक। बट आई थिंक आई शुड गिव मोर टू द म्यूजिक इंडस्ट्री. आई लव माई म्यूजिक इंडस्ट्री एंड आई थिंक आई एम गोइंग बैक. प्रेम गली अब खत्म हो गया, हाँ अभी मैं आज टुनाइट आई टोल्ड यू आई एम फ्लाइंग टू लाहौर एंड आई यस एम गोइंग टू रिकॉर्ड टू सॉन्ग्स बैक टू बैक, एंड आई एम गोना ट्राई दैट दिस नेक्स्ट ईयर आई एम गोना कम आउट विद 4 or 5 सॉन्ग्स एटलीस्ट. सो मुझे लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बहुत ज़रूरत है एक अच्छे गानों की, एब्सोल्युटली। और प्रोजेक्ट तो चलते रहेंगे इंशाल्लाह, वो तो चलते ही रहेंगे. चलते रहेंगे, और है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इज इन इन सॉर्ट ऑफ रेडी फॉर रिलीज, आई मीन इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो द है मूवी द मूवी। एब्सोल्युटली या एब्सोल्युटली, तो सही है। और आपने कहा कि आप नेगेटिव रोल भी करने के लिए तैयार हैं, एज लॉन्ग एज यू बिलीव इन द रोल। ये मुझे बात समझ नहीं है वैसे, आई एम गोइंग बैक टू इट। सी नेगेटिव रोल मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ. आई वुड लव टू चेक माय रेंज, रेंज एज एन एक्टर, आई वुड या लव टू डू इट. मतलब शायद अब मैं मुझे अब आपको मैं इस रोल में अब शायद बहुत अरसे तक नजर ही ना हो. मतलब सुनो चंदा प्रेम गली हो गया काफी ना, फैमिली बॉय एंड ऑल दैट. सो आई एम गोना चेक माय रेंज माय सेल्फ एज एन एक्टर, एंड आई थिंक पीपल वुड लव दैट टू. एंड इफ आई एस दैट रोल, आई थिंक तो फिर लोगों को मुझसे और ज्यादा प्यार हो जाएगा यार, कि ये अच्छा एक्टर है, ये अच्छा कुछ भी कर लेता है. आई वुड लाइक टू डू दैट. अब मुझे वो वाली वो लव्स पता नहीं बोलना है, मुझे वो ठरक हो गई एज एन एक्टर कि अब मैं सब कुछ करो। करूं. पहले नहीं हाँ थी ऑनेस्टली, पहले एक्टिंग ही वो नहीं था, अब मैं एज एन एक्टर सोचना शुरू हो गया हूँ. तो मैं जरूर करना चाहूंगा. मतलब नेगेटिव तो मैंने ऐसे ही कहा, समथिंग डिफरेंट, कुछ भी नेगेटिव भी. सी मैंने तो एक्सट्रीम केस बता दिया ना, आई इवन डोंट माइंड डूइंग दैट. राइट, या बट एट द एंड ऑफ द डे देयर शुड बी समथिंग गुड आउट ऑफ इट, या आई थिंक दैट्स द बॉटम लाइन, दैट्स द बॉटम दैट्स द लाइन. कि बॉटम ऐसी लाइन। बिल्कुल वो ना हो कि यू नो बेसलेस, बट या या व्हाई नॉट. Yeah, so we're looking forward to seeing you in much many more projects on the big screen, inshallah soon. Inshallah. 2021 does look like a big year. Us waqt tak Prem Gali people will enjoy, Yeah. continue to enjoy. And Farhan, thank you so much. I think we've spoken about everything. Wow, I didn't feel I No, spoke so much, I didn't let you speak. I'm so you are sorry. supposed to speak. That's why, that's a good Oh, thing. That's a oh good God, I thing. didn't let you speak. I'm Nee, sorry. that's a good thing But that you thank you, Amna. spoke. Thank you But for having me, and thank you for
लेटिंग मी स्पीक माई हार्ट थैंक आउट. यू फॉर टेकिंग आवर टाइम. मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं और आप बीच में तबीयत भी आपकी थोड़ी सी खराब हो गई थी और अब आप यू आर फ्लाइंग इन एंड आउट ऑफ कराची एंड इंशाल्लाह वी होप टू कैच अप अगेन व्हेन किच इंशाल्लाह बटन इज रेडी एंड इन इंशाल्लाह स्क्रीन. आई एम वेटिंग फॉर दैट.